Thank you. That was indeed another day of life. उस्ताद वो दीपक है जो खुद जलकर दूसरों की जिंदगी रोशन कर देता है. Now I would like to call Aisha Muzammil from class 7. Respected principal sir, respected teachers, and my dear board members, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very thankful to my teachers to give me chance, the opportunity to speak of you. So without wasting our time, let's start. रहबर भी ये हमदम भी ये गुमखार हमारे, रहबर भी ये हमदम भी ये गुमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे. मेरे मौजूद सामीन किराम, आज मुझे जिस मौजू पर लखनशाही करने का मौका मिला है उसका अनवान है उस्ताद का अहतराम. मेरे अजीज साथियों, यकीन कीजिए जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद मैं इस मौजू पर इंसाफ भी कर सकूंगी या नहीं, क्योंकि शायद क्योंकि अदब करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में. मेरे अजीज साथियों, उस्ताद और तलबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी इस मिसाल इस दुनिया में है. इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर होता है. क्योंकि उस्ताद कोई इंजीनियर तो नहीं होता लेकिन इंजीनियर उनकी वजह से होते हैं. उस्ताद कोई डॉक्टर तो नहीं होता लेकिन डॉक्टर उनकी वजह से होते हैं. उस्ताद कोई प्रोफेसर तो नहीं होता लेकिन प्रोफेसर उनकी वजह से होते हैं. उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को कल्याण बना देता है. उस्ताद वो है जो लोहार भी है किसान भी है. उस्ताद वो है जो मामारी वतन भी है. अलगर्ज की उस्ताद हर लिहाज से वाजिबुल एहतराम है. इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन बनाया मगर मेरे रूहानी बाप ने मुझे जमीन से आसमान बनाया. खजा के मौसम में भी बहार देते हैं, खजा के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं. हाजिन किराम, जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम करार देकर उस्ताद को आला बना दिया है. इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया है. बल्कि मेरा तो ये दावा है जिस तरह को लुकुम है की जरूरत है, चांद को दमक की जरूरत है, सूरज को चमक की जरूरत है और हमारे जिस्म को रूह की जरूरत है, उसी तरह इस पूरे माशरे को उस्ताद की जरूरत है. अब आखिर में मैं अपने यहाँ तमाम मौजूद तलबा के सामने खड़े होकर अपने नसाजा को जिसने मुझे एक वक्त पढ़ाया उनको सलाम देकर कहना चाहूंगी कि मेरा शुमार कहीं पत्थरों में होता था, उस्ताद ने तराश कर हीरा बना दिया. जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद